हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैपस्टोन प्रोजेक्ट प्लानिंग की जो डेली डायरी है वो किस तरह से लिखनी है, कौन से टॉपिक पे लिखनी है, क्या लिखना है, उसमें कौन सी डेट डालनी है। यह पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, तो कृपया वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको एक नोटबुक खरीद लेनी है डेली डायरी के लिए सेपरेट, मिनिमम 10 रुपीज़ की भी चलेगी, छोटी ही बुक खरीदना है। तो सबसे पहले आपको उसमें अपने ग्रुप मेंबर्स के नाम लिखना है, आपके छः मेंबर्स का जो ग्रुप है उसके आप नाम लिख लेगा। उसके बाद दोस्तों, सबसे पहले हमारी जो कॉलेज थी वो 14 फरवरी को स्टार्ट हुई थी, तो आप लोगों को क्या करना है, कैलेंडर आपके घर पे होगा तो कैलेंडर के हिसाब से देखना है कि कौन से दिन पे छुट्टी है। तो एक 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 हफ्ते का जो है आपको लिखना है। मैं आपको सैम्पल की तरह, इससे और भी लिखना है बट सैम्पल के तौर पे मैंने आपको ये दिखाई हूँ। तो आपको कैलेंडर में देखना है कि एक हफ्ते में मतलब कितने से कितने तारीख तक है, उसके हिसाब से आपको 14 तारीख से लिखना है। तो दोस्तों, मैंने 1 वीक का ली हूँ, 14 फरवरी से लेकर के 20 फरवरी तक। तो इस पे मैंने क्या लिखी हूँ कि टुडे आई सर्च ऑन यूट्यूब गूगल दैट व्हाट इज़ कैपस्टोन प्रोजेक्ट प्लानिंग, हाउ मच टाइम इट टेक्स, व्हाट इज़ दिस प्रोसीजर, मतलब कैपस्टोन प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या होती है, इसको हम ये कितना टाइम लेगा, इसकी प्रोसीजर क्या है। तो इस टाइप से मैंने यूट्यूब पे सर्च की, गूगल पे सर्च की, इस टाइप से आपको लिखना है यहाँ पे, क्योंकि डेली डायरी वही होता है कि हमने हर दिन उसके बारे में क्या किया। तो आपको कैपस्टोन प्रोजेक्ट प्लानिंग के बारे में लिखना है कि मैंने आज ये की, मैंने यूट्यूब पे ये टॉपिक सर्च की, ऐसा वैसा करके। देन नेक्स्ट वीक में आपको क्या करना है, उसके नेक्स्ट वीक में जो भी डेट आएगी वो आपको लिखना है। मैंने ली हूँ 22 फरवरी टू 27 फरवरी तक। तो इसमें मैंने स्टार्ट की हूँ, टुडे आई सर्च कैपस्टोन प्रोजेक्ट प्लानिंग टॉपिक्स ऑन गूगल। अभी क्या है कैपस्टोन प्रोजेक्ट प्लानिंग के, मुझे कौन सा टॉपिक चूज़ करना है वो मैंने गूगल पे सर्च की, तो आप ये भी लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट मैंने डेट चूज़ की दोस्तों 1 मार्च टू 5 मार्च, आप कैलेंडर के हिसाब से देख लीजिएगा वहाँ पे। और टुडे आई चूज 5 टॉपिक्स और प्रोजेक्ट्स फॉर कैपस्टोन प्रोजेक्ट प्लानिंग। तो इसमें मैंने क्या की, गूगल या फिर यूट्यूब से सर्च की है, मुझे जो भी 5 टॉपिक्स बहुत अच्छे लगे तो उनको मैंने चूज़ की, तो मैंने उसी के बारे में आज लिखी हो। देन नेक्स्ट वीक की जो डेट थी दोस्तों 7 मार्च टू 12 मार्च, तो इसके बीच में मैंने क्या की, टुडे आई डाउनलोडेड ऑल द रिसर्च पेपर ऑफ द अबाउट टॉपिक, जो रिसर्च पेपर थे जो भी मैंने 5 टॉपिक से लिख की थी, तो उसके मैंने क्या की, रिसर्च पेपर डाउनलोड की, ऐसा मैंने यहाँ पे लिखी हो। तो लिखने में क्या है दोस्तों, क्योंकि हमको डेली रूटीन लिखना है तो हमने हर दिन क्या किया बस हमें वही लिखना है। नेक्स्ट डेट जो है मैंने चूज़ की दोस्तों 14 मार्च टू 19 मार्च, इसमें मैंने लिखी हूँ कि आई डिस्कस विद माय ग्रुप मेंबर्स अबाउट कैपस्टोन प्रोजेक्ट प्लानिंग। इस दिन मैंने क्या की, इस वीक में मैंने क्या की कि अपने जो भी ग्रुप मेंबर्स हैं, मेरे 6 मेंबर्स हैं ग्रुप के, तो उनके साथ मैंने डिस्कशन की कि मैंने ये टॉपिक चूज़ की हूँ, मुझे ये अच्छा लग रहा है, आप लोगों को कौन सा अच्छा लग रहा है, इसके बारे में मैंने क्या की, डिस्कस की, तो मैंने वहीं लिखी हो। उसके बाद की जो डेट लिखी हो दोस्तों 21 मार्च टू 26 मार्च, आई सिलेक्टेड 1 प्रोजेक्ट टॉपिक फ्रॉम आउट ऑफ 5 टॉपिक। अब जो भी मैंने 5 टॉपिक सिलेक्ट की थी उसमें मैंने क्या कि ओनली 1 टॉपिक क्या है सिलेक्ट की, तो उसके बारे में यहाँ पे लिखी हूँ। नेक्स्ट डेट मैंने लिखी हूँ 28 मार्च टू 6 अप्रैल है दोस्तों, वहाँ पे 3 लिखा है वो गलत है, गलती से हो गया होगा लिखने में, तो 6 अप्रैल तक मैंने लिखी हूँ। तो इसमें मैंने क्या लिखी, आई लर्न अबाउट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑटोमेटिक पावर मीटर, ऑटोमेटिक पावर मीटर ये मेरा टॉपिक था तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने इसी के ऊपर सर्च की और इसी को सिलेक्ट की। तो दोस्तों, इसी तरह से आपको डेली डायरी लिखना है कैपस्टोन प्रोजेक्ट प्लानिंग की। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो में कुछ भी अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।